कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग और क्यों रखा गया इस फिल्म को होल्ड पर और आखिर सलमान खान इन दिनों कहां बिजी है। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे सलमान खान की अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से जुड़े इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट के बारे में। सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे यो मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग पूरी हो चुकी है, तो वहीं अब वो अंतिम द फाइनल ट्रुथ को लेकर काफी बिजी हैं। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान इन दिनों इंडस्ट्री के सबसे बिजी स्टार्स में से एक है। हाल ही में उनके कई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाएं, तो वहीं अब वो अंतिम द फाइनल ट्रुथ को लेकर काफी बिजी हैं। अपने जीजू आयुष शर्मा के इस प्रोजेक्ट को लेकर सलमान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट पेंडिंग रखे हैं। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि अंतिम के बाद सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली को लेकर जल्द ही बड़ा धमाका करने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग के बारे में खुलासा करते हुए सूत्रों ने बताया है कि फिल्म निर्माता साजिद ने कहा है कि कोरोना महामारी का कहर कम होते ही वे इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर देंगे। इसी दौरान जब किक 2 को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि साजिद ने सलमान की किक 2 को अभी होल्ड पर रखा है क्योंकि कभी ईद कभी दिवाली 2021 में ही शूट होनी है और इसीलिए सब इसकी शूटिंग को काफी एक्साइटेड हैं। सलमान खान अनलॉक के बाद से ही एक के बाद एक अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम करने में जुट गए हैं। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक इन सब के बीच सलमान खान अपने जीजू आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर रखा हुआ है। जहां एक तरफ ये फिल्में अभी भी प्रोडक्शन स्टेज पर हैं, वहीं दूसरी तरफ सलमान की फिल्म राधे यो मोस्ट वांटेड भाई थिएटर में रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म ईद पर रिलीज होगी और जल्द ही सलमान इसके प्रमोशन भी शुरू करेंगे। पहले ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी थी, लेकिन थिएटर मालिकों की गुहार पर सलमान ने इसे सिनेमा घरों में रिलीज कराने का फैसला किया। तो दोस्तों, आपको सलमान की किस फिल्म का है सबसे ज्यादा इंतजार और कितने एक्साइटेड हैं आप कभी ईद कभी दिवाली के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।